हेलो एवरीवन, सो ओ आपको अभी तक का जो टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बाकी है उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है कि तो जो पॉसिबल कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पीपीसी स्लो डाउन वर्स, पीपीसी का स्लो डाउन वर्स, देखिए हमने पीपीसी के बारे में वीडियो देखा था, पीपीसी का जो स्लो था वो कैसा था, डाउन वर्ड डायरेक्शन था, पीपीसी का जो स्लो था वो डाउन वर्ड डायरेक्शन का था। उसके डाउन होने का कारण क्या है, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन the change in quantity of one goods and the change, ये डेल आपको बताया ना, जो चेंज को दिखाता है, डेल का मतलब चेंज होता है, पिछले वीडियो में आपको बता चुका है। तो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, जैसे जैसे हमने क्वांटिटी चेंज करी एक गुड्स के दूसरे गुड्स, देखो पहले हम 21 गन बना रहे थे, बटर जीरो था, तो सब नॉर्मली यहाँ पे हमारा डॉट बन गया था, आगे कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने चेंज किया क्वांटिटी को, हमने गन को कितना बनाया, रेड 20 और बटर को एक बनाया, लिया उसके रिसोर्सेज का हमने किसने यूज किया, बटर बनाने में, तो ये क्या हुआ, थोड़ा डाउन बढ़ा गया, जैसे तो डाउन बढ़ा गया, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 20 गन बनने लगे और एक क्या बना, एक क्या बन गया, बटर, ठीक है। सेम वैसे 18 जब हम 18 गन बनाने लगे तो 2 बटर बनने लगे, जब 18 हमने क्या बनाने लगे, गन बनाने लगे तो कितना बनने लगा, 2 बटर, तो फिर से ये डाउनवर्ड आ गया। ये जो डाउनवर्ड स्लोप्स आ रहे हैं, देखिए ये डाउनवर्ड स्लोप्स आ रहे हैं, यही इनवर्स प्रोपोर्शन बताते हैं, ये उल्टा होता है, जैसे जैसे एक गुड्स कम होता जाएगा दूसरा गुड्स बढ़ता जाएगा, देखिए ना ये कम हो जा रहा है, अपने आप जीरो हो गया, लेकिन 6 हो गया, ये जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, मतलब ये इनवर्स रिलेशन बताता है, एक घटेगा और दूसरा बढ़ेगा, तो ये इनवर्स रिलेशन प्रॉपर्टी बताता है। पहली प्रॉपर्टी है कि एक गुड्स को बनाने में जो रिसोर्स लगाएंगे तो दूसरे गुड्स में अपने आप कमी आने लगेगी, हम दोनों उसी क्वांटिटी पे नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, उसमें हम और कोई नहीं कर सकते, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि पीपीसी इज अ कॉनकेव शेप, पीपी का कॉनकेव शेप होता है, क्यों कॉनकेव शेप होता है पहले वो समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने क्वांटिटी गिरा, क्वांटिटी हमने गन नहीं गिराई, तो एक क्वांटिटी किसकी बढ़ गई, बटर की बढ़ गई, तो ये जो स्लोप था वो कैसा आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा। फिर से हमने जब और क्वांटिटी कम करी, किसकी क्वांटिटी, गन की क्वांटिटी 20 बनाई, तो हमने 2 बटर बनाने लगे, फिर ये नीचे गया, ये जो देखो ये अपने नीचे जा रहे हैं, ये तो नीचे जा रहा है, ये धीरे धीरे करके एक फिगर आउट, जो डॉट्स आए उसको हमने ज्वाइन किया, हमको पता चला कि डॉट नीचे की तरफ जा रहे हैं, कॉनकेव फिगर बना रहा है। तो जब भी पीपीसी में फिगर बनेगा, पीपीसी का शेप होगा कॉनकेव होगा, वो हमेशा नीचे की तरफ जाता होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि भी जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ कब जाएगा, तो ऊपर की तरफ भी जाता, ऊपर की तरफ भी जाता है जब हम इस क्वांटिटी को उल्टा कर देंगे, मतलब तो हम यहाँ से लेकर के बटर बनाना चालू करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन चालू करेंगे, तो यहाँ से ये बढ़ना चालू करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो से कॉनकेव बनेगा जब पीपीसी में। तो इसके बनने का कारण ये भी है क्योंकि एमओसी मतलब मार्जिनल जो कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे करके असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये भी बढ़ जा रहा है, इसी कारण अकाउंट के बाहर है, ठीक है। तो पहला कारण ये है कि भाई धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ रही थी, बटर क्वांटिटी बढ़ रही थी, नीचे गया, दूसरा एमओसी जो है वो भी बढ़ रही है, तो कौन क्या बढ़ रहा है, पर अगर एमओसी घटने लगे तो आप सोचिए एमओसी घटने लगे, अगर बाकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो घटने लगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट अगर घटेगा तो फिगर फिर कॉन्वेक्स बनेगा, इस तरह का स्लोप बनेगा, ये कब बनता है, कौन
वैक्स स्लूप बनता है, कॉन्वेक्स जो है वो कब बनता है, कॉन्वेक्स का मतलब कब बनता है, जब एमओसी क्या होगा बढ़ने लगेगा, जब एमओसी क्या होगा यहां पे लिखता हूं मैं, एमओसी जब क्या होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा वो बढ़ जाएगा, एमओसी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कब क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, लेकिन कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट है, मतलब ना एमओसी बढ़ रहा है घट रहा है, एक 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 आने लगा 1 1 1 1 1 1 सब जगह बढ़ रहा है, तो क्या होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कांस्टेंट कर्व बनेगा, ठीक है, कब बनेगा जब कांस्टेंट कर्व कब बनेगा, जब ना एमओसी बढ़ रहा है ना एमओसी घट रहा है, ऐसे में कर्व कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, सॉरी हां स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, रिसोर्सेस ज्यादा मिल गया, अगर बाय चांस हमको जो रिसोर्सेस मिल गए तो उससे ज्यादा रिसोर्सेस मिले तो क्या हम इतने समान है नहीं, उससे हमारा समान ज्यादा मिल गया तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, हम इस टारगेट को क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं, तो क्या होगा 800 दिए था रिसोर्सेस बढ़ गए तो हम यहाँ आ गए तो हम ये टारगेट जो था अचीव कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड का बनेगा नीचे का बनेगा, जब हमारे पास जितना रिसोर्सेज है हम उसको पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको बचा रहे हैं तो क्या होगा ये रिसोर्सेस कम यूज करेगा, स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप कम बनने लगेगा, तो स्लोप यहां बनेगा इसके आसपास बन जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट और दोनों जा सकता है, अगर रिसोर्सेज अगर कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में हम क्या कहलाएंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज कर रहे हैं रिसोर्सेज को हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वही ये जो है टी पॉइंट उसको कहते हैं अनअटेंडेबल, क्यों अनअटेंडेबल, क्योंकि इसको अटेंड करना ही मुश्किल से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि रिसोर्स हम बढ़ा नहीं सकते, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, वो हम बढ़ा ही नहीं सकते, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हम वो कर नहीं पा सकते, हम वो अनअटेंडेबल, जब तक रिसोर्स मिलेगा कब मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा, तो जो चीज लिमिटेड है उसमें हम कभी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये अचीवेबल है, तो पार्ट ऑफ पीसी पीपीसी कैन बी आइदर लेफ्ट और राइट, ये उसकी एक और प्रॉपर्टी है, क्लियर है यहां तक, आपको समझ में आया, ओके, तो होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा, इसे मैंने पूरी तरीके से अपनी वीडियो में कवर किया है, लेकिन आपको आंसर लिखने के लिए अपनी जो टेक्स्ट बुक है चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो या फिर आपने संदीप गर्ग की बुक खरीदी हो तो वो बुक मतलब आप फुल्ली रीड करिए, आंसर लिखने में वो बुक ही आपको मदद करेगा, ये तो शॉर्ट में मैंने आपको डिटेल में जो पूरी तरीके से थी वो मैंने चैप्टर में समझा दी, लेकिन बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आंसर लिखने में मदद करेगा, क्योंकि आपको आंसर तो छोटे छोटे नहीं लिखने, वो तो आपको ब्रॉड में लिखने ना, तो ब्रॉड में लिखने के लिए आंसर को आपको उस बुक रीडिंग करनी होगी, उसी से आपको क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ओके, वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, मेरे पढ़ाने का शायद अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं चाहता हूँ कि जितने अगर कमेंट्स आएंगे जितने लाइक आएंगे तो मैं ही मोटिवेट होगा और सारे वीडियो बनाने के लिए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, थैंक यू।